मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاذه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء हक सच दी करनी गल यारो झूठा हरफ जुबान चो कढ़ना नहीं दिलो लानी यारी नबी पाक दे नल बूटा प्यार दा लाके वड़ना नहीं ते जदो मंगना रब कोलो मंगना है पल्ला गैर दे अगे अडना नहीं दुनिया रुस दिए यारो रुस जावे असा दर करीम दा छड़ना नहीं अपने महबूब को जोली में सुलाने वाले अपने महबूब को जोली में सुलाने वाले
कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, अपने महबूब को जोली में सुलाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले। घर की दीवार पे सोई थी ना छोड़ी तूने, घर की दीवार पे सोई थी ना छोड़ी तूने, हुक्मे सरकार पे घरबार लुटाने वाले, हुक्मे सरकार पे घरबार लुटाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले। बाग़ जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, बाग़ जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, मेरे सिद्दीक पे उंगली उठाने वाले, मेरे सिद्दीक पे उंगली उठाने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान जुमाने वाले। हजरात, हर किस्म दी हमदो सना तारीफात की बरियाई बढ़ाई यकताई तन्हाई वाहदानियत उलोहियत सारी कायनात दे बादशाह शहनशाह दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़ालुल्ली मा युरीद दी जात वास्ते खास है दुरुदो सलाम इमाम कायनात इमाम आज़म मुर्शद आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी थे साहिबो साथियो और अजीज भाइयो काबिल एहतराम मुअज्जज़ात पर्दे में बैठने वाली इस्लामी रूहानी मेरी माओ और बहनों, अल्लाह ताला दा जितना भी शुक्रिया अदा कीता जाए कम है जिस मालिक ने सानू सबनों इस पुरफितन दौर अंदर अपने घर बुलाया। मैं दुआ करना अल्लाह साडा आना अपने दरबार अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। हजरा, अज दा दिन 22 जमात दी सानी है, गालबन अज दे दिन दे अंदर मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम दे यारे गार मेरे नबी दे सुसर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जरा कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहो दी वफात दा दिन है। अज दे दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दी वफात हुई है। मैं दुआ करना अल्लाह जिथे सैयदना सिद्दीक लेटे ने अल्लाह रहमतां दा नजूल फरमाए कबो आमीन। हजरात, नबी पाक दे सारे यारां दा जिक्र करना साडे ते फर्ज़ है। लोगां ने
सहाबाई कराम दे बारे जुबान दराजियां कर करके साडी नौजवान नस्ल नूं सहाबा तो दूर कर दिता। मैं फर्ज समझना कि जुमे दे अंदर इन्हां दी जिंदगी और वफात का जिक्र किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन ने, इन्हां दा जड़ा असल नाम है अब्दुल रहमान, इन्हां दा नाम है, इन्हां दी कुनियत हजरत अबू बकर और इन्हां दे वालद दा नाम अबू कुहाफा, वालदा दा नाम उम्मुल खैर। नबी पाक अली सलातो व सलाम दी पैदाइश तो दो या ढाई साल बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक दी पैदाइश हुई है और हजरत अबू बकर दुनिया ते तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक ने साडे वास्ते सहाबा नू नमूना बनाया ते सहाबा वास्ते अगर नमूना बनाया ते अबू बकर सिद्दीक नू बनाया। रजी अल्लाह ताला अन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ले अपनी किताब अंदर लिखे है, सारी दुनिया दा ईमान एक पलड़े दे अंदर रख दिया जाए तराजू लगा के, कल्ले अबू बकर सिद्दीक दा ईमान एक पासे रख दिता जाए, सारी दुनिया दे ईमान नालों अगर ईमान ज्यादा है तो हजरत सिद्दीक अकबर दा। दुनिया अंदर इंसान अजान पढ़दा ते ज़हन अंदर ख्याल है जन्नत मिल जाए, नमाज पढ़दा जन्नत मिल जाए, कुरान पढ़दा जन्नत मिल जाए, सदका खिरात हज उमरा जकात सब कुछ करदा कि मैनूं जन्नत मिल जाए। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया जन्नत दी आरजू हुए कि मैनूं अबू बकर सिद्दीक मिल जाए रदी अल्लाह ताला। हजरात सारे दुनिया दे इंसान ये गल्लां अगर समझ आईयां आखिर तक पता चलेगा, सारे दुनिया के इंसान मिल के एक मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया के मुसलमान मिल के वली का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के सारे वली मिल के एक ताबी का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के सारे ताबी मिल के एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के सारे सहाबी मिल के कल्ले अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरात कितनी अजमत वाले। नबी पाक नू किसे पूछे अल्लाह दे रसूल दुनिया अंदर कायनात अंदर नबिया तो बाद सब तो अफजल इंसान कौन ने, हजरत आदम तो लैके आमिना दिलाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सब तो आला अफजल बंदा कौन है। नबी पाक ने फरमाया अफजलुल बशरी बादल अंबिया, दुनिया के अंबिया तो बाद अगर कोई बशर है उन्हें अबू बकर सिद्दीक किया जाता है रजी अल्लाह ताला अन। हजरात बड़े इख्तसार दे नाल तवज्जो मुहब्बत दे नाल बैठना, मैं चंद बातां तुसां अहबाब दे सामने गोश गुजार करना चाहना। मेरी दुआ है अल्लाह मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सारे सहाबा ईमान वाले अजमत वाले जिन्हां दा जिक्र मैं करना चाहना उन्हों सुसरे मुस्तफा किया जाता है, जिन्हां दे बारे अल्लाह दे कुरान ने नक्शा खिंचया। मालके कायनात खाल के अर्दो समा दा कुरान बोलिया तवज्जो हम्मा तन गोश होके बैठना। नौजवान ए अबू बकर सिद्दीक कौन ने, इंशाल्लाह जुम्मे दे अंदर इन्हां दी शान और इन्हां दी वफात दे हवाले नाल चंद मारूजात तो सहबाब दे झोलियां दी जीनत बनाना चाहना। अल्लाह तुहाडा सब दा अपने दरबार अंदर इत्थे अल्लाह ने अपने घर अंदर आउना अल्लाह अपने दरबार अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। कुरान पाक वल गौर करना दरा अजीदान ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा
इस बात वाल गौर करना रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे कलबे अतर ते अल्लाह ने कुरान नादल फरमाया आखे वल्लज़ी जा बिस्सिद्दिक़ व सद्दका बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। फरमाया अबू बकर सिद्दीक दा इत्थे जिक्र, फरमाया अल्लाह दे नबी भी सच्चे ने ते अबू बकर सिद्दीक सहाबा इकराम तो अफजल ए भी सच्चे ने ते सच लैके आए ने। आ मेरे अबीर अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम मालके कायनात फरमांदे ने खालके अर्दो समा दा कुरान इद अखराजा हुल्लदीना काफरू सानियस नहीं ने इद हुमा फिलगार। फरमाया इथे भी कुरान अंदर अल्लाह ने यारे गार दा जिक्र फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक दा जिक्र फरमाया। आ मेरे अबीरा हजरत सिद्दीक अकबर मेरे पैगंबर दे गुलाम ने मेरे नबी दे जानिशार ने मेरे पैगंबर दे फिदाकार ने रिश्ते दे अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबी भी ने ते मेरे नबी दे सुसर भी लगते ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने तवज्जो करना दरम नबी पाक अली सलातो व सलाम ने फरमाया जगाम दे पीर अली सलाम दी जुबान चो निकले अल्फाज मेरे पैगंबर फरमांदे ने सरकारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने दुनिया दे अंदर जेड़ा सब तो अफजल इंसान है ओनू हजरत अबू बकर सिद्दीक आ जांदा वे। किसे पुछया अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों ए पुछन वाली कौन है हजरत हजरत अमर बिन आस सब कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अन। आ मेरे अबीरा सवाल कर देने ते आंदे ने मेरे आ सोने आओ ऐ मेरे आका तुसी सब तो ज्यादा ऐस दुनिया दे अंदर किदे नाल मुहब्बत कर दियो किदे नाल प्यार कर दियो। आ मेरे अबीरा तवज्जो करना दरा फरमाया अय्युन नासी अहब्बू इलैका काला आयशा तु फकुल तु मिनर रिजाली फकाला अबूहा। आ मेरे अबीरा सैयदा अम्मी आयशा ते रावी कौन है हजरत अमर बिन आस फरमांदे ने मैं सैयदा अम्मी आयशा दे कोलों सुनिया सैयदा आंदियां ने सोनिया किदे नाल ज्यादा प्यार कर दियो इस दुनिया दे अंदर केड़ा खुश नसीब बंदा जिदे नाल तुसी मुहब्बत कर दियो। नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने काला अबूहा। फरमाया आयशा तेरा बाप मैं जिदे नाल दुनिया दे अंदर सब तो ज्यादा मुहब्बत करना वा जिदे नाल मैं सब तो ज्यादा प्यार करना वा। आ मेरे अबीरा इथे बस ने मेरे पैगंबर अली सलाम दा गुलाम एक होर गुलाम हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने मदीने दे अंदर एक बाग मदीने दे अंदर एक बाग दे अंदर एंज सहाबा भी बैठे ने मेरे पैगंबर दे जानिशार बैठे ने बैठिया बैठिया मेरे आका अली सलाम ने वेख्या दरवाजा खड़किया ऐ बाग दा दरवाजा खड़किया वे आका अली सलाम तो व सलाम फरमांदे ने जगां दे पीर अली सलाम फरमांदे ने इफ्तह लहू व बशिरहू बिल जन्ना। फरमाया जड़ा दरवाजा खड़का रिया वे इनू जन्नत दियां जमानतां दे दित्तियां जावन इनू कह दिता जावे ए जन्नती है। आ मेरे अबीरा हजरत अबू मूसा फरमांदे ने मैं जल्दी नाल गया मैं इंज दरवाजा खोलिया मैं वेखिया
मियां शादा बाबा हजरत अबू बकर खड़े ने रजी अल्लाह ताला 55 दफा जिंदगी दे अंदर मेरे पैगंबर ने जन्नत दिया जमानत दितियां ने मेरे अमीरा मेरे आका फरमांदे ने फरमाया 70,000 बंदा बगैर हिसाब दे जन्नत जाएगा। मेरे पैगंबर दा गुलाम बोलिया फरमाया हजरत सिद्दीक आंदे ने आखिया सोनिया 70,000 कौन होणगे फरमाया उन्हां दा मैनू पता कोई नहीं उन्हां दे अंदर मेरा अबू बकर जरूर होएगा रजी अल्लाह ताला। मेरे अबीरा ईशान हजरत अबू बकर दे मुकाम हजरत अबू बकर दा तवज्जो करना मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान आया और मालिक कायनात दा कुरान बोलिया अल्लाह दे कुरान दी दावल 15वां पारा मालिक कायनात दे कुरान दा फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मेरे अबीरा अल्लाह दे कुरान दा तर्जमा फरमाया बा बरकत उजात असरा बे अब्दी जिन्ने अपने बंदे नु सैर करवाई। मेरे अबीरा तवज्जो मेरे आका अली सलातो व सलाम नाल मेराज दी रात आसमाना ते गए ने जन्नत वेखीए जहन्नम वेखीए। मेरे अबीरा गल लंबी ना हो जावे अल्लाह ने निशानियां दिखाईया अल्लाह ने जन्नम ते जहन्नम दिखाई मेरे आका अली सलाम वापस आन लगे ने जगाम दे पीर रब दे हबीब अली सलाम परेशान हो जांदे ने। मेरे अमीरा फरमाया अल्लाह दे पैगंबर क्यों परेशान ने मेरे अल्लाह ने तनु जन्नत दिखाई तनु जहन्नम वखाई 5 नमाजां दा तोहफा दिता नबियां नाल मुलाकातां होईयां ने क्यों गम सदा ते परेशान ने। फरमाया अबू जाल मेरे खिलाफ जो दुनिया ते जावांगा मेरे ते यकीन कौन करेगा कौन कहेगा कि मुहम्मद सच पिया बोलदा वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिब्रील मेरे नबी नू कह दे जेड़ा अल्लाह बुला सकदा गवाहियां भी दवा सकदा वे गम जदा ना होया जे। मेरे पैगंबर आए ने अगला दिन चले आओ अबू जाल पिया आंदा वे आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नवी तादी गल सुना ना। आका फरमांदे ने मैं मेराज ते गया आसमाना ते गया जन्नत जहन्नम वेखी नबियां नाल मुलाकातां होईयां ने आंदा हुण नवी गल सुना दित्ती 5-7 बंदे लैके आवां इह गल दुबारा करेंगा। मेरे आका फरमांदे ने 1000 वार भी आओ जदों भी गल होएगी इहो ही होएगी उहदी वजह मुहम्मद ने कदी झूठ नहीं बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे लेके आया नबी पाक ने गल सुनाई ए सीधा निकले आओ हजरत अबू बकर दे दरवाजे ते गया ना एज दरवाजा खड़काया वे ना अंदरो आवाज होंदी है मन दखल बाप कौन है। फरमाया मैं अबू जाल अंदर दरवाजा खोले आओ आंदे ने कोई बंदा कवे मैं रातो रात आसमान ते गया जन्नत वेखी जहन्नम वेखी इहदे ज़हन अंदर ख्याल आया वे मैं गल सुनावांगा इनां दी जोड़ी टुट जाएगी। हजरत अबू बकर ने जवाब दिता तवज्जो करना जरा आंदे ने किसे आम बंदे ने किया वे ओ झूठ मारदा जे आम इनाम दे लाल ने किया ते सच किया वे। मेरे अबीरा अबू बकर ने गवाहियां दितियां ने ना अबू बकर किया अबू जाल ताई तू परखना है दीन ईमान मेरा मेरे नबी
नबी ने कदी झूठ नहीं बोलिया। एहो मजहब एहो इस्लाम मेरा। मेरे अबीरा इधरों हजरत अबू बकर निकले ने, मैं नबी पाक नूं पूछा हर जगह ते मैं नाल होना वा, मैनू दस्या भी कोई नहीं। उधरों आसमाना तो जिबरीन निकले आवे, आखिया सोने अबू बकर आ रहे आवे, तुहाडी जुबान दी गवाही दे के अज तो बाद अल्लाह ने अबू बकर तो अबू बकर सिद्दीक बना दिता वे। मेरे अबीर अबू बकर आए ने, मेरे पैगंबर दिया अखा डुलिया ने, ते नबी पाक रोई जांदे ने। अज अबू बकर आए फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने आओ मैं तुहाडे नाल एक गल करनी। फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। आका मैं गल करनी। फरमाया बैठ जाओ। जड़िया तो गल्ला करनिया ने तेरे तो पहला मैनू जिबरील दस गया वे, जड़िया मेरी जात ते गवाहियां दित्तियां ने। पहले तो अबू बकर से गवाही दित्ती, अल्लाह ने सिद्दीक बना दिता है। अबू बकर तो अबू बकर सिद्दीक बने, नबी दी जुबान ते गवाहियां दे के अल्लाह ने इन्निया इज्जत दित्तियां, अल्लाह ने मुकाम दिता। अंदे बाबे फिदक दा मामला, बाग फिदक वाला हजरत अबू बकर ने खादा, सहाबा ने सैयदा फातिमा नु नहीं दिता। ओ जालिमो, अल्लाह ने दुनिया ते भी इन्हां दी जोड़ी कठी कर दिती है, कब्र अंदर भी, कल हशर दे मैदान अंदर भी, जिथे आमीना दे लाल होंगे उथे हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे रजी अल्लाह ताला। हंदा जी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहो नो नबी दा बिस्तर मिलिया, ओ शान वाले जिनों बिस्तर मिलिया ते जिनों आमीना दे लाल मिल जावन, ओदी अजमत किन्नी होएगी, ओदा मुकाम किन्ना होएगा। हजरत अली नू किसे आख्या, अली तेनों बिस्तर जो मिलिया, तवज्जो नाल गल सुनिया जे, तेनों बिस्तर मिलिया तू चैन नाल सो गया कि नबी पाक अली सलातो व सलाम सफर दे उपर ने, अली चल के आया मेरे नबी कोल, ते नबी चल के गए ने अबू बकर सिद्दीक दे दरवाजे ते। फरमाया अली तेरे नबी पाक नाल किन्नी मुहब्बत है, तू तर जरा भी ख्याल ना आया कि तू आराम नाल नबी दे बिस्तर ते सो गया, ते नबी हिजरत ते सफर ते। हजरत अली फरमांदे ने जदों नबी पाक अबू बकर दे नाल होवन ते नबी पाक नूं कुछ हो सकदा नहीं, हो सकदा, मैं बेगम सा कि अबू बकर नाल है, मेरे नबी दी हिफाजत अल्लाह भी करदा ते अबू बकर भी करदा नाल नाल, कदी सज्जे कदी खब्बे कदी अग्गे कदी पिछे। नबी पाक फरमांदे ने अबू बकर की गल है यार, कदी अग्गे पिछे? अंदर अल्लाह दे रसूल पिछे दुश्मन ने ते मैं गवारा नहीं करदा, कोई तलवार दा तीर दा बाल आए, मैं चाहना अबू बकर नूं लगे, मेरे मुस्तफा नूं तीर ना लगे, मेरे नबी ते आंच ना आवे। तवज्जो करना जरा अजीदान ने मन, हाँ मेरे मुसलमान वीरा इस बात वाल गौर करना, तवज्जो करना दराओ, मेरे पैगंबर दा गुलाम मालिक कायनात ने जिन्ना दे बारे फरमाया, फरमाया वल्लजी जा बिसिदके व सद्दा का बी ओला इका हुमुल मुत्तकून। मेरे अबीरा सच्चा सिद्दीक मेरे पैगंबर दा यारे गार सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। मेरे अबीरा गल मुकदी मुकावा, मेरे वल वेखे आ जे दरा, मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम दा गुलाम हजरत आका अली सलाम फरमांदे ने, फरमाया कल कियामत दा दिन होएगा, एक आदमी दुनिया ते ऐसा वे जिन्हों जन्नत दे दरवाजिया चो आवाजा आनगियां। मेरे अबीरा सहाबा कहिंदे ने सोनिया सोनिया, वो केड़ा खुश नसीब जिन्हों जन्नत दे दरवाजे आवाजा देनगे। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया उदा नाम अबू बकर रजी अल्लाह ताला। ओ लोगो अबू बकर कौन? इज्जत वाला अबू बकर, अजमत वाला अबू बकर, शाना वाला अबू बकर। मेरे अबीरा नबी पाक नाल प्यार कर
کرن والا ابو بکر نبی دی آل اولاد نال محبت دے اظہار کرن والا ابو بکر پانچ ٹائم دا نمازی ابو بکر میرے پیغمبر تو جان قربان کرن والا ابو بکر میرے نبی تو بیٹی میرے پیغمبر نو بیٹی دا رشتہ دین والے نو ابو بکر کیا جام داوے رضی اللہ تعالی میرے امیرہ میرے پیغمبر دی وفات تو بعد میرے آقا علی صلات و سلام دے جام تو بعد نہ میرے آقا دے مستر دے میرے نبی دے مصلے تے نماز پڑھائی صدیق نے خلیفہ اول بن گئے مسلمان دے سب تو بڑے پہلے خلیفہ بنے نے جنہاں دا نام حضرت صدیق میرے پیغمبر کدی پیار نال عتیق وی کیا کر دے سن کدی صدیق کیا کر دے سن میرے امیرا محبت بری نہ توجہ کرنا ذرا سب تو پہلا جدو میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا وے مرداں دے اندروں سب تو پہلا میرے پیغمبر دی زبان تے یقین رکھن والا صدیق رضی اللہ تعالی میرے امیرا میرے پیغمبر دی وفات تو بعد حضرت صدیق پریشان تے غم زدہ رہندے نے خلیفہ اول نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرے امیرا آخری ویلا آیا حضرت ابو بکر دا آخری ویلا وے تے حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے امیرا میرے پیغمبر دی بیوی میرے امیرا آقا دنیا تو چلے گئے نے تے بیوہ میرے نبی دی بیوی سیدہ عائشہ نا غم صدیق کو برداشت ہوندا وے نا غم سیدہ امی عائشہ دے کولوں برداشت ہوندا میرے نبی دے جان دا میرے امیرا آخری ویلا حضرت ابو بکر دا آیا توجہ کرنا آخری ویلا وے تے میرے پیغمبر علی سلام دا غلام بیٹھے ہوئے نے اج حضرت ابو بکر لیٹے نے سیدہ امی عائشہ سرانے بیٹھیاں ہوئیاں نے میرے امیرا میں تے کہا کرنا لوگو او نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تے نی ڈیرے جڑا بھی آیا دنیا تو جانا میں او نبی نہیں رے علی نہیں رے صحابہ نہیں رے سارے انجان ہے حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے نے انج لگ دا جویں آخری کریاں نے انج لگ دا جویں زندگی اختتام دی طرف جا رہی ہے میرے امیرا میرے پیغمبر علی سلام دی امی میرے آقا علی سلام دی بیوی سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے سونے رات دا ویلا وے انواندیاں نے میرے سونے اے جس تارے آسمان دے انہاں نالوں زیادہ کسے دیاں نیکیاں ہیں نے فرمایا ہاں جے دے زیادہ نیکیاں حضرت عمر بن خطاب دیاں نے رضی اللہ تعالی فرمایا میرے بابے دا نام نہیں لیا فرمایا اے تے آسمان دے ستارے نے انہاں نالوں وی زیادہ اگر نیکیاں نے تے تیرے باپ ابو بکر دیاں نے رضی اللہ تعالی میرے امیرا بڑے عاشق عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا پیار کمالے میرے امیرا حضرت ابو بکر نو اج زندگی گزاری اے نا تے اللہ دے کولوں ڈردیاں ہویا ابو بکر دا مانی ایویں نیکیاں دے اندر پہل کرن والا میرے امیرا میرے پیغمبر دا غلام آخری ویلا وے تے انج لیٹے نے سرانے سیدہ امی عائشہ بیٹھیاں نے انہاں دی بیٹی سیدہ بیٹھیاں نے نالے روئی جاندیاں نے نالے آنسو بہائی جاندیاں نے پتا جے نا سب تو زیادہ باپ دے جان دا صدمہ ہوندا تے بیٹیاں نو ہوندا وے کیونکہ بیٹیاں نال پیار وی زیادہ ہوندا بیٹیاں نال محبت وی زیادہ ہوندی ہے بیٹیاں اپنے ماں باپ نال پیار بیٹیاں تو زیادہ پیار لیندیاں وی نے تے پیار دیندیاں وی نے میں ویکھیا 10 سال وی باپ دی وفات نو گزر جاون تے بیٹیاں نو اے صدمہ بھلدا کوئی نہیں میرے امیرا قدم قدم تے باپ دا پیار یاد کر کے دعاواں کردیاں نے میں ویکھیا جدوں اپنے دو
दूसरे घर दे अंदर निकाह तो बाद चलिया जांदियां ने। इन्हां दा दिल ते नजरां पिछे अपने मां बाप दे वल ही रहिंदियां ने। मेरे अमीरा सैयदा अम्मी ऐशा फरमांदियां ने, आंदियां ने बाबा मैं जवानी दे अंदर हजे उम्र थोड़ी है, मैं बेवा हुई आ, नबी पाक दुनिया तो चले गए। नाले सैयदा रोई जांदियां ने, आंदियां ने बाबा मैं तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करनी आ, किवें दियां गल्लां कर फरमाया आयशा, इंज लगदा जिवें आखरी करिया ते आखरी वेला आ गया वे, इंज लगदा तेरी ते मेरी अज जुदाई पै जावेगी। मेरे अमीरा सैयदा ने पहले नबी पाक दी वफात दा दुख वेखे आवे, हुण आंसू बहांदियां ने ते नाले हाथ चोखे दुआवां करदियां ने ते नाले रोई जांदियां ने। फरमाया हजरत सिद्दीक कहिंदे ने, आंदे ऐशा रोण दी की वजह वे, जेड़ा भी आया हमेशा रहन वास्ते नहीं आया, जेड़ा भी आया एक ना एक दिन दुनिया तो जाना वे। बड़े बड़े दुनिया ते जगीरदार आए ने, बड़े बड़े दुनिया ते माल दौलत वाले आए ने, जिंदगी गुजार के चले गए। मेरे अमीरा अज भी वक्त दे वजीर आदम इस पाकिस्तान दे वजीरां दियां खबरां ने। मेरे अमीरा कोई नहीं जांदा दुआ करन वास्ते, बड़े बड़े आए थे मना मन मिट्टी दे नीचे चले गए, हमेशा दी जिंदगी किसे दी नहीं। सैयदा फरमांदियां ने बाबा इते फैसला मेरे मालिक दा अटल, जेड़ा भी आया है उन्हों जाना ही पैना, इस वजह तो नहीं रोंदी। आंदियां ने बाबा तुसी वक्त दे हुक्मरान हो, इन्नियां चीज़ां अल्लाह ने इन्नी इज्जत दित्ती है, अल्लाह ने इन्ना मुकाम दिता है। बाबा अज तुसी जा रहे हो घर दे अंदर, एक कफन जोगे भी पैसे मौजूद कोई नहीं, एक चादर भी घर दे अंदर मौजूद कोई नहीं। आ मेरे अबीरा वक्त दा हुक्मरान, वक्त दा खलीफा ते नबी पाक अली सलाम दा सुसर, घर दे अंदर कफन दे पैसे भी मौजूद कोई नहीं। अज दे हुक्मरान जिंदगियां अयाशी वालियां गुजारदे ने, आंदे ने साडा घर सोखा किसे दी केड़ी लोड़, इन्हां नूं गरीबां दा ख्याल नहीं, इन्हां नूं यतीमां दा ख्याल नहीं। हुण वोट दे देना गिने घर घर जाणगे, वोट वास्ते लिखण गरीबां दा ख्याल नहीं रखदे। ओ कैसा गुलाम मेरे नबी दा, हजरत अबू बकर आखरी वेला वे, घर दे अंदर एक कफन जोगे पैसे भी मौजूद कोई नहीं। इन्हां ने जिंदगियां इंज दियां गुजारियां ने, सब कुछ होण दे बावजूद भी अल्लाह दियां नशुकरियां करदे नजर आउंदे आ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ने बेटी गल चादरां नाल कफनां नाल नहीं बनदी, गल बनदी है नेक अमाल होणगे ते गल बनेगी। कबर कफन कई ऐसे भी बद नसीब ने जिन्हां नूं कफन भी नसीब नहीं होंदा, जिन्हां नूं कबर भी नसीब नहीं होंदी, कई रुड़ के मर जांदे ने। आंदे ने बेटी गम सदा ना हो, ये फैसला मेरे मालिक दा अल्लाह दा फैसला है, हर इंसान नूं मौत दा पैगाम आके रहना वे। गल कफन नाल नहीं बनदी, गल अमलां दे नाल बनदी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अज दे दिन हजरत सिद्दीक दुनिया तो चले गए। ऐ मुसलमान नाम दा खलीफा अव्वल, मेरे अमीरा खलीफा बिला फसल, हजरत अबू बकर दुनिया तो चले गए ने। तवज्जो करना दरा, हजरत सिद्दीक अकबर दी वफात हुई है ना, हजरत सिद्दीक ने खलीफा बनाया, ए कौन है हजरत उमर, जरा सब कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त दे हुक्मरान बन गए ने, वक्त दे खलीफा बन गए ने, मेरे अमीरा गुलाम नाल। हुण आखरी गल वेखे आ जे मेरे वल तवज्जो करना दरा, मैं मुहब्बत दी थोड़ी गिरा लांदा जावां। आला एक नबी दा गुलाम वेख लै, सारिया सहाबा दा इमाम वेख लै, आला एक नबी दा गुलाम वेख लै, सारिया सहाबा दा इमाम वेख लै, इमाम
बनाया है इमाम लंबिया मुसलत सिद्दीक आजाखे मुस्तफा सहाबा पीछे खड़े ने तमाम वेख लै सारे सहाबा दा इमाम वेख लै रोजे बिच नबी दे तवज्जो करना दराओ अल्लाह एक नबी दा गुलाम वेख लै सारे सहाबा दा इमाम वेख लै रोजे उत्ते हुंदियां दरूद दियां बारिशां रोजा मल ले आए रोजे दे वारशां उन रोजे बिच कर दे आराम वेख लै सारे सहाबा दा इमाम वेख लै कुरान ते हदीस कोलो मैं सुनिया अल्लाह नबी उस नू खलीफा चुनिया मुनकरों दा बड़ा बदनाम वेख लै सारे सहाबा दा इमाम वेख लै सिद्दीक दी सदाकत उते शक करने तायो जालमा तू पिट पिट मारना बुरा हुंदा अपना अंजाम वेख लै सारे सहाबा दा इमाम वेख लै कौन हजरत अबू बकर सब कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अजीदा ने मन मेरे मुसलमान वीरा तवज्जो करना दरा गौर कर आ जे मेरे पैगंबर दा गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक आज दुनिया तो चले गए ने वक्त दा हुक्मरान बनिया ए कौन हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला मेरे अबीरा वक्त दे हाकम बन गए ने अज निकले ने रात दा वेला वे चल दिया गुलामी नाल एक गुलाम बोलिया आंदा सोने उमर जी इथे हजरत अबू बकर जदों भी आया कर दे सन इथे एक झोंपड़ी है जंगल दे अंदर उथे वडेरी जी अम्मा वे ओदे नाल बड़ी मुहब्बत कर दे सन हजरत अबू बकर बड़ा प्यार कर दे सन खाना खिलांदे सन ओदा ख्याल रख दे सन मेरे अबीरा तवज्जो करना जरा हजरत उमर फरमांदे ने आओ चलिए उस अम्मा दे चलिए मेरे अबीरा हजरत उमर गए अज गुलाम नाले चल दिया मरकद उम्मुल कुरा दे अंदर आने वालों आखरी गल मेरे वाल वेखे अज दरा हजरत उमर गए ने खाना मंगवाया खाना तैयार होया वे मेरे अबीरा अम्मा दे हुजरे दे अंदर अम्मा अखां तो नबीनी नजर कुछ नहीं आंदा मेरे अबीरा हजरत उमर ने सलाम लिए बैठ जाते ने हाल पूछे आवे ते अम्मा दम दिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र अदा कर दिया होया हजरत उमर ने खाना मंगवाया वे ते खाना तोड़ के बुड़की ना हजरत अदरा तवज्जो अम्मा दे मुंह दे अंदर बुड़की पाईए मेरे अबीरा बुड़की मुंह दे अंदर पाईए ते अम्मा ने जल्दी नाल मुंह दे अंदरों बुड़की कढ़ के जमीन ते सट दित्ती है ना जदों बुरकी जमीन ते सठीए ते अम्मा अपनी जुबान चो कहंदीए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरे अबीरा सारे हैरान हो जांदे ने सारे परेशान हो जांदे ने अम्मा खाना क्यों जमीन ते सठे आई बुरकी क्यों जमीन ते सठी हो इन्ना लिल्लाह क्यों पड़े आई मेरे अबीरा ते अम्मा दियां चीखां बुलंद होईयां ने मरकद उम्मुल कुरान अंदर आने वालो समुद्री दे रोशन जमीरो अम्मा दियां आहा बुलंद होईयां ने अम्मा रोई जांदी है रो के आंदी है इंज लगदा जिवें खलीफा अव्वल इंज लगदा जिवें ऐशा दा अबू अबू बकर सिद्दीक अज दुनिया तो चला गया वे इंज लगदा जिवें अबू बकर खलीफा अव्वल दुनिया ते जिंदा नहीं रहा मेरे अबीरा हजरत उमर खमसदा हो जांदे ने हजरत उमर परेशान हो जांदे ने अम्मा नु किवें पता चलिया अखां तो नबीनी अम्मा वे मेरे अबीरा आंदे ने अम्मा जी तुहानू किवें पता चलिया अज उमर तो अबू बकर दुनिया तो चला गया वे मेरे अबीरा अम्मा कहंदी है जदों भी अबू बकर मेरे करीब आउंदा ना मेरे वास्ते खाना लेके आउंदा ना अबू बकर नु पता सी अम्मा दे मुंह दे अंदर दंद कोई नहीं जदों बुरकियां चबा के ना अपने मुंह च बुरकी चबा के फिर मेरे मुंह दे अंदर पांदा सी ना मैं इस वजह
तो आखिया इन्ना लीला इंज लगता है जिवें आयशा दा बू दुनिया तो चला गया इंज लगता है जिवें आयशा यतीम हो गई है इहदे सिर तो बाप दा साया उठ गया वे मेरे अमीरा दुनिया हजरत अबू बकर दे जनाजे ते गरीब गुरबा लोग भी खड़े ने ते रोई जांदे ने गरीबां नाल प्यार करन दा नाम अबू बकर मस्कीना नाल मुहब्बत करन दा नाम अबू बकर गरीबां नाल तावन करन दा नाम अबू बकर मेरे अमीरा दा खाली जुबान वाला ए बेईमान जालम ने हजरत अबू बकर नूं सरेआम गालियां देण वाले हजरत अबू बकर तबर्रा करन वाले आंदे ने हजरत अबू बकर ने ईमान ही नहीं ले आंदा ते कई आंदे ने ए इक जंग दे मौके दे अंदर नबी पाक नूं छड़ के नस गए ना ना मेरा वीर हजरत अबू बकर दी जिंदगी दा मुताला करो अबू बकर सदाकत दे अंदर अव्वल अबू बकर गरीबां नाल प्यार करन दे अंदर अव्वल जिहड़ा भी नेकी दा कम हुंदा वे सब तो पहला पहल करन वाला अबू बकर मेरे अबीरा अबू बकर दी जिंदगी ते मेरे पैगंबर दी जिंदगी इको ही है मेरे नबी अबू बकर नाल प्यार कर दे रहे ने इना जालिमा अबू बकर नो जुदा कर देता वे हजरात मैं इत्थे आखरी तवज्जो सन सुनना मैं इत्थे कहना चाहना हजरत अबू बकर सिद्दीक नो नबी दी जिंदगी दे अंदरों जुदा करन वालिया ने इना जालिमा ने कहा अबू बकर नो नबी पाक ने अबू बकर ने नबी दा साथ छड़िया वे अल्लाह ने कैसा साथ बनिया हजरत सिद्दीक अकबर दा आखरी वेला मेरे पैगंबर दा सराने सैयदा अम्मी ऐशा बैठिया होइया ने हजरत अबू बकर दा आखरी वेला सराने सैयदा अम्मी ऐशा बैठिया होइया ने मेरे पैगंबर नो 14 दिन पहले बुखार होया मौत तो पहला हजरत सिद्दीक नो 14 दिन पहला बुखार होया मेरे पैगंबर ने अपनी वफात तो 5 दिन पहला नमाजा पढ़ानियां छड़ दितियां अबू बकर ने अपनी वफात तो 5 दिन पहला नमाजा पढ़ानियां छड़ दितियां मेरे पैगंबर ने आखिरी नमाज मौत तो पहला मगरब दी पढ़ाई है अबू बकर ने आखिरी नमाज मौत तो पहला मगरब दी पढ़ाई है मेरे पैगंबर दा नवासा हजरत हुसैन शहीद होया हजरत अबू बकर दा नवासा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद होया मेरे पैगंबर दे नवासे नो कूफियां ने शहीद कीता हजरत अबू बकर दे नवासे नो शामियां ने शहीद कीता मेरे पैगंबर दे नवासे दा सर खिलाफत दी वजह तो उतारिया गया हजरत अबू बकर दे नवासे दा सर खिलाफत दी वजह तो उतारिया गया मेरे पैगंबर दी ज़हमत ते जुल्म होया सिद्दीक दी बेटी अस्मा ते जुल्म होया हजरात मेरे पैगंबर नो जिंदगी दे अंदर मौत तो पहला 2 साल पहला जहर दिता गया अबू बकर नो मौत तो 2 दिन 2 साल पहला जहर दिता गया मेरे पैगंबर नो जहर देन वाली एक यहूदी औरत सी सिद्दीक नो जहर देन वाली एक यहूदी औरत सी मेरे पैगंबर अली सलाम दी वफाद संबार वाले दिन हुई है अबू बकर दी वफाद संबार वाले दिन हुई है मेरे आका अली सलाम ने अपनी जिंदगी दे अंदर मुसल्ले दा वारिस ओनू बनाया जिन्हें खलीफा ए बनना सी अबू बकर ने अपनी जिंदगी दे मुसल्ले दा वारिस उमर नू बनाया जिन्ना ने खलीफा बनना सी मेरे पैगंबर अली सलाम दे 2 दमाद अशरा ते मुबशरा सिद्दीक दे 2 दमाद अशरा ते मुबशरा मेरे आका अली सलाम मक्के दे अंदर सिद्दीक मक्के अंदर मेरे नबी मदीने अंदर सिद्दीक मदीने अंदर मेरे नबी गार अंदर सिद्दीक गार अंदर मेरे नबी सफर अंदर सिद्दीक सफर अंदर मेरे पैगंबर अली सलाम तो सलाम ने आखरी वेले मसवाक नो पसंद कीता अबू बकर ने आखरी वेले मसवाक नो पसंद कीता मेरे आका नो मसवाक अम्मी आयशा ने चित के दीती अबू बकर नो मसवाक अम्मी आयशा ने चित के दीती मेरे पैगंबर ने आखरी वेले आखे अल्लाह हुम्मा बिर रफीक अल आला अबू बकर ने एहो ही अल्फाज के अल्लाह हुम्मा बिर रफीक अल आला मेरे पैगंबर अली सलाम तो सलाम
ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੋਦ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋਦ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਜਿਸ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਈਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਲਜਾਈ ਗਈ ਉਸੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਮਈਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਲਜਾਈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨਿਰਜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੱਲ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਘਟਾਵੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੋਵੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੁੱਕਦਾ ਉਹਦਾ ਥੁੱਕ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਵੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਖੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਹਮਸੇ ਸੁਨਾ ਹੋਤਾ ਕੁਛ ਹਮਸੇ ਕਹਾ ਹੋਤਾ ਖੈਰੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਤੋਨੇ ਖੈਰੋਂ ਸੇ ਕਹਾ ਤੋਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਤਕ ਦਾ ਮਾਲ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੱਲ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਲਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਰਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੇ ਚੰਨ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਲਤ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਖਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੇਹ ਰਾਜਿਓਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਕੀਤਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਖਰੁ ਦਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।